तो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ऐसे कुछ लिंक्स। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाला ये सेंटर से नीचे अंडरलाइन आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। मैंने कुछ कुछ जगह पे देखा है, ये एक्चुअली बहुत प्यारा दिखता है। एंड इसके अलावा जो सेकेंड है, ये देख रहे हो तुम किस तरीके से लेफ्ट से आ रहे हो और राइट पे जा रहे हैं, ये एकदम सिंपल सही चीज है। थर्ड वाला अगर तुम देखो तो बेसिकली ये लेफ्ट से आ रहा है और लेफ्ट पे वापस जा रहा है, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। एंड फोर्थ वाला मेरा बहुत फेवरेट है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो होवर कर रहा हूँ मैं, तो ये जा रहा है ऐसा बीच में से गैप जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले HTML देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एक बॉडी टैग ले लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर मैं एक एंकर बना देता हूँ जिसका क्लास होगा लिंक। सिंपल सा लिंक करके एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। सो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है ना, अभी मेरे को इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो सिंपल सा स्टाइलिंग कर देंगे इसको, जैसे कि बॉडी को बैकग्राउंड दे देंगे ब्लैक का। सो बेसिकली पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। एंड इसके अंदर जो एंकर है उसको कलर दे देंगे वाइट, अच्छा रहेगा आई गेस। इसका टेक्स्ट डाल देते हैं, लेट सपोज आयुष शाम, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट डाल दिया। तुम कुछ भी डाल सकते हो, ओके, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि यही डालना है, तुम्हारी मर्जी है। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एक्चुअली ये पता नहीं है, कोड पेन अच्छे से वर्क नहीं करता, बट ठीक है हम चलाएंगे, थोड़ा सा सहन कर लेंगे। ओके, तो ये हट गया। अभी जो बॉडी है उसको मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, एक्चुअली हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर देते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो बेसिकली वो सेंटर हो जाएगा। इसको मेरे को एक्चुअली हाइट भी देना होगा 100 VH दे देते हैं, एक्चुअली 100 VH नहीं 90 VH दे देते, बिकॉज वो एक्चुअली कोड पेन पे थोड़ा सा इश्यू देता है इसीलिए। तो यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है। इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं, लेट सपोज 30 pixels। ओके, तो थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा दिख रहा है। अब ये जो नीचे अंडरलाइन आ रही है उसको क्रिएट करना चालू करते हैं। तो इन टोटल मैंने तुमको बताया कि हम तीन तरीके चार तरीके के सीखेंगे, तो मैं तुमको एक एक करके बताता हूं। सिंपल वाला सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन आता है उसको मैं क्रिएट करूंगा यूजिंग आफ्टर। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को पोजिशन रिलेटिव डालना होगा, रिलेटिव रियलिटी आई व्यू, ठीक है, तो रिलेटिव डाल दिया। अब ये जो ए है उसका या फिर डॉट लिंक जो है उसका एक बिफोर क्रिएट करना है। एंड इस बिफोर के अंदर कॉन्टेंट डाल दो, बेसिकली नॉर्मल सा कॉन्टेंट डाल दो स्ट्रिंग करके। ओके, ये हो गया। विड्थ कर दो 100%, हाइट कर दो 0.1 RAM, बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट, सिंपल सा चीज है। पोजीशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लेफ्ट 0, बॉटम 0, सिंपल सा है। अभी देख सकते हो एक अंडरलाइन आ चुका है। ओके, सिंपल सा चीज है। अभी ये जो ओवरलैप कर रहा है उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करना, बट फिलहाल के लिए जो चीज है वैसा बता रहा हूँ मैं तुमको। ओके, तो ये हो गया। ओवरलैप का भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुम टेक्स्ट शैडो वगैरह डाल सकते हो, बट उसके ऊपर डीप में नहीं जाएगी। ओके, तो तुम टेक्स्ट शैडो डाल के उसको ये कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। तो सिंपल सा चीज है, मैंने ये किया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक अंडरलाइन आ रहा है। अब इसको है ना मेरे को बाय डिफॉल्ट हटाना है। ओके, तो उसके लिए मैं डालूंगा ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स, स्केल एक्स में डाल दूंगा 0। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो विड्थ होगा वो 0 होगा, सॉरी इधर पे नहीं, यहाँ पर डालना था। तो ठीक है, इसको 0 कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड पे हटा दिया। अगर मैं इसको 10% कर दूँ ना तो तुम्हें समझ में आएगा। ये देख लो इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से, तो मेरे को 0 से 1 करना है उसको, तो उस तरीके से स्केल होगा। तो इसको मैं 0 कर दिया। एंड यहाँ पे डॉट लिंक पे जब मैं होवर करूंगा उस टाइम पे उसका जो बिफोर है, लिंक के होवर पे बिफोर उसका, उस पे मैं क्या करना चाहता हूँ ना कि ये जो ट्रांसफॉर्म है उसी को मैं स्केल 1 कर दूंगा। सिंपल सा चीज है। अब अगर होवर करके देखूंगा तुम अंडरलाइन देख सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन नहीं आ रहा, तो ट्रांजिशन डाल देते हैं यहाँ पे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ट्रांजिशन लेट सपोज हम डाल देते हैं 0.5 सेकेंड का ट्रांसफॉर्म पे। ओके, तो इस तरीके से अभी तुमने देखा कैसे वो गया उस टाइम पे, अब मैं ओवर कर रहा हूँ आ रहा है बाहर गया जा रहा है, देख रहे हो। तो ये सिंपल सा एनिमेशन तो हमने क्रिएट कर लिया, देख रहे हो, ये इतना सिंपल सा था। हार्डली मैंने
लाइक इतना ही लाइन ऑफ कोड लिखा है और कुछ कुछ तो शायद तुम्हें लगेगी भी नहीं जो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा तुमने। तो अंडरलाइन मैंने बिफोर से क्रिएट किया एंड उसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कर दिया। ओके तो अब मैंने ये सब चीजें कर दी। अब इसके बाद मेरा जो दूसरा एनिमेशन आता है जो कि लेफ्ट से आता है, लेफ्ट से आता है और लेफ्ट से जाता है, तो वो वाला हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए सेम कोड है, खाली एक चीज तुम्हें चेंज करना है जो कि है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट। जैसे तुम ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट करोगे उस टाइम पे तुम देख रहे हो ये लेफ्ट से अभी आ रहा है, सिंपल सा चीज है, लेफ्ट से आ रहा हो गया। मेरे को सिर्फ एक प्रॉपर्टी डालना पड़ा, उससे मैंने दूसरा इफेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो तीसरा इफेक्ट है वो थोड़ा सा सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स भी है। तो मैंने जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन डाला है ना उसको मैं यहाँ पे बेसिकली जो बिफोर होवर वाला स्टेट है ना उस पर डाल देता हूँ। अब ये सिर्फ इतना चेंज करने से क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। एक नया इफेक्ट बन गया जो कि मैंने बताया नहीं था तुमको, बट ठीक है, बेसिकली लेफ्ट से आ रहा है और होवर हटाने पर सेंटर पर जा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर तुम्हें इफेक्ट चाहिए तो तुम क्रिएट कर सकते हो, बट हमें चाहिए कि लेफ्ट से आए और राइट पर चला जाए। तो उसके लिए मैं दो ट्रांसफॉर्म डालूंगा, जब मैं होवर करूंगा तो लेफ्ट से आएगा लेकिन बाय डिफॉल्ट वो जाएगा राइट को, जब मैं होवर करूंगा तो वो लेफ्ट से आएगा एंड बाय डिफॉल्ट वो राइट पे होगा। तो क्या होगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राइट पे एंड देन जैसे मैंने होवर किया तो तुरंत लेफ्ट पे आया और फिर विड्थ इंक्रीज हुआ। ओके तो आप अगर तुम देखोगे तो मैंने होवर किया हटाया देख रहे हो लेफ्ट से आ रहा है और राइट पे जा रहा है। सिंपल सा एनिमेशन है, इसका कोई लॉजिक ये नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ओके मैंने लेफ्ट से आया और राइट पे गया, लेफ्ट से आया राइट पे गया। अब ये जो मैंने बताया तुम्हें इफेक्ट, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आता है जो कि मैंने तुमको फोर्थ वाला बताया था। अब ये जो एनिमेशन है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो प्लीज बेयर विद मी। यहाँ पे देखो अभी हमने इस तरीके से एनिमेशन क्रिएट किया राइट, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल के लिए, इसको कोई छेड़ना नहीं है। इसमें हमें है ना ये जो बिफोर है इसके साथ साथ इसका आफ्टर भी बनाना है। ओके इसका एक आफ्टर भी बना देते हैं, सिंपल सा चीज है, मैंने आफ्टर बनाया एक बिफोर बनाया। ओके एक बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीजें। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन है इसके अंदर मैं एक चीज चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकंड डाला है इसके आगे मैं क्यूबिक बजियर डाल रहा है। बेसिकली मेरा इसका टाइमिंग फंक्शन जो है वो मेरे को चेंज करना है, जब मैं होवर कर रहा तो थोड़ा सा फास्ट जाए ऐसा मेरे को इफेक्ट चाहिए, तो इसीलिए मैं ये चीज कर रहा है। ओके तो सिंपल सा चीज है, अभी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आई होप सो तुम्हें अब तक तो नहीं लग रहा होगा। अब यहाँ पे इसका जो बिफोर है इसके अंदर मैं क्या करेगा ना, ये जो जो लिंक है उसका बिफोर के अंदर मैं ये जो स्केल एक्स है वो डाल देगा, बिकॉज मेरा जो आफ्टर है वो बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए, मेरे को बाय डिफॉल्ट एक अंडरलाइन दिखनी चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने ये चीज डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब ये जो ट्रांजिशन है इसके अंदर मैं ना एक छोटा सा डिले डाल देता हूँ 0.1 सेकंड का। अब इसको मेरे को निकालना भी कुछ कुछ जगह पे, तो वो चीज याद रखना कि मैं कहाँ कहाँ निकाल रहा है। ओके मैं कहाँ निकाल रहा है वो देखो ध्यान से, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लिया, ये जो ट्रांजिशन है वो पूरा लिया एंड जो होवर है यहाँ पे बिफोर वाला उसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा एंड सिंपल सा मैंने डाल दिया एंड होवर करते समय पर वो डिले मेरे को वापस चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो बिफोर है उसके अंदर कोई डिले नहीं होगा, लेकिन जब मैं होवर करूंगा तो उस टाइम पे मेरे को डिले चाहिए। ओके तो सॉरी एक कॉल आ गया था एंड कट गया कॉल। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये जो आफ्टर मैंने क्रिएट किया इसको सबसे पहले डिस्प्ले नन मारते हैं, बिकॉज अब तक जो हमने किया वो तुम्हें दिखाई भी दे इसीलिए। तो यहाँ पे अब मैं होवर कर रहा हूँ, तुम देख रहे हो सिंपल सा जो अब तक चल रहा था वैसा ही चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें मैंने डीले वगैरह से प्ले किया है, प्ले अराउंड किया है, इसीलिए ही ऐसा दिख रहा है मेरे को। ओके सिंपल सा चीज है। अब जो चीज मैंने यहाँ पे किया है इसका ही मेरे को उल्टा करना है फॉर आफ्टर। तो क्या होगा सिंपल सा चीज, अभी तुमको अगर मैं डिस्प्ले नन हटाऊंगा तो मेरे को लाइन दिखेगी। ओके तो यहाँ पे ये जो चीज है मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड जब मैं इसको होवर करूंगा उस टाइम पे सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, ये जो स्केल कर रहा हूं मैं इसको इसको मैं जीरो कर दूं, होवर करते समय पर इसका जो स्केल है वो जीरो हो जाए। देख रहे हो तुम कैसा दिख रहा है, अभी थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा होगा तुम्हें बट थोड़ा बेयर करो मेरे साथ। ओके तो यहाँ पे सिंपल सा चीज मैंने किया एंड जो आफ्टर है बाय डिफॉल्ट वो वन ही होगा, तो अभी फिर भी डिफाइन करके रख देते। ओके यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो ट्रांसफॉर्म लेफ्ट लिखा हुआ है इसको मैं डालूंगा बाय डिफॉल्ट आफ्टर में एंड होवर करते समय पर मेरे को इसको चाहिए राइट। तो इतना ही करने से अगर तुम देखो यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ एंड छोड़ रहा हूँ ना तभी ये एनिमेशन आ रहा है। अब इसमें कुछ चीजें और चेंज करनी है, तो यहाँ पे हमने जो चीज चेंज किया है ना उसमें एक यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन डाला हुआ, ओके इसको मैं कॉपी करता है एंड देन ये जो होवर आफ्टर है उसमें डाल देता है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें मैं अभी आउटपुट दिखाऊं तो थोड़ा थोड़ा वैसा आ रहा है,
लेकिन मेरे को ऐसा लगता है शायद डीले निकालने से ये और अच्छा हो जाएगा। देख रहे हो तुम, डीले निकालने से और अच्छा हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो एनिमेशन है वो कंप्लीट तो हो चुका है। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो तुम्हारे सहूलियत के लिए ये जो लिंक है ये मैं नीचे कमेंट में डाल देगा, तो उधर से तुम ये लिंक को ले सकते हो। इस पे मैं बाकी के तीनों भी डाल देगा, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ है।